हेलो बच्चों, तो कल है आपका आरएमओ का एग्जाम लेवल 2 ओलंपियाड, जिसकी प्रिपरेशन आपने बहुत जोरों शोरों से की थी। तो बस कुछ जरूरी बातें जिनको आपको ध्यान रखना है पेपर सॉल्विंग के टाइम, वो हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए, ये इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे और आप ये मान के चलिए कि सारे के सारे क्वेश्चन करना आपसे अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमारा लेवल क्लियर हो तो उसके लिए आपको यह करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है, इस पर हमने वर्क किया है, तो सबसे पहले उसको रफली उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आप रफली उसको सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुंच जाइए। सिमिलरली आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसका आप आंसर लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्ट के 2 से 3 क्वेश्चन को आप रफली जितना जल्दी सॉल्व हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन भी कर लिए, फिर उसके बाद आप डिटेल में उसका एक मेथड के अकॉर्डिंग उसका विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वाला सोल्यूशन लिखिए, है ना। सोल्यूशन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी केस को स्किप ना करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी वहां पे कर सकते हैं जब पहली बार क्वेश्चन को रफली अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन आपने अगर 2 से 3 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में निकाल लिए तो फिर 100% मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन में तो आप किसी भी रीजन में हो, मैटर नहीं करता, आपका 100% आरएमओ क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये मत करना कि पहला क्वेश्चन आपने किया और पहले क्वेश्चन का डायरेक्ट आप सोल्यूशन लिखने बैठ गए, सोच सोच के लिखने लगे, जिससे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए टाइम आपको थोड़ा कम बचेगा, ठीक है ना। तो बस यही करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप 2 से 3 इवन ये भी देखा गया है कि 2.5 या 2.75 में भी बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है ना। तो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए, सारे कवर किए गए, तो बस आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो हार्ड वर्क किया पूरे कॉन्फिडेंस साथ उतरना है और बस मचा के आना है, क्यों है सर? बिल्कुल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आरएमओ की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की सर। डेली एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आरएमओ वर्कशॉप में बहुत सारे बच्चे इनरोल रहे हैं, तो वो बहुत ग्रेट अचीवमेंट। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, मतलब यू नो लॉट्स ऑफ थिंग, बस अब उन्हें प्रेजेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सर बोल रहे हैं बार बार, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आप उन 6 क्वेश्चन में से आपका फोर्टे कहां पर है, कौन से क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कहां पर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, उनको उठा के रफली सॉल्व करो जो सर ने बताया है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, और उसके बाद उनको फेयर करना है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गबड़ा देती है। मतलब क्योंकि सर मैथ्स में ये बहुत बड़ा गेम हो जाता है कि एक क्वेश्चन एक केस छूट गया तो वो पूरी मेहनत पूरा समय खराब हो जाता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अप्रोच प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते होंगे इन कंपेयर टू, मतलब किस टॉपिक को आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस रहेंगे? इसमें एक्चुअली ये होता है कि कई बार बच्चे को सर सोल्यूशन आता है कि पता है ये सोल्यूशन लिखना है, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये नहीं कि आपने इसका आंसर न्यूमेरिकल ग्रिड में दे दिया कि 75 इसका आंसर, आपको फुल मार्क्स मिल गया। यहाँ पर वो एग्जामिनर ये भी चेक करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, किस अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपकी अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट होगी, आपने उसको उसी डेलिगेंसी से उसी इंटेलिजेंसी से आपने उसको रिप्रेजेंट किया होगा सोल्यूशन। रिस्की टॉपिक कौन सा? रिस्की टॉपिक की बात करूं तो ज्यादातर वही रहता है कि कॉम्बिनेटोरिक्स को अगर मैं देखूं कि लास्ट ईयर अभी जो आईओक्यूएम के पेपर आया था तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे। जब आईओक्यूएम में अगर वो लेवल रखा है जो पहले के आरएमओ के पेपर से भी अच्छा लेवल था आईओक्यूएम के क्वेश्चंस का, तो होपफुली यही एक्सपेक्ट करें, हो सकता है अगर कॉम्बिनेटोरिक्स अगर कुछ ऐसा आया तो थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है। बाकी विवेक सर बताएंगे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर आरएमओ एग्जाम, और बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप आरएमओ लिख रहे हो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और बहुत अच्छा एग्जाम है, तो आप सभी को इसको अच्छे से प्रिपेयर तो आप सभी ने कर ही लिया है, अच्छे से लिखना है। तो जैसा सर ने भी बताया आपको कि ये पूरा एग्जाम आपका रिटन बेस्ड है और आपकी राइटिंग स्किल्स ही मतलब इसमें पता लगेंगी, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल आंसर तक पहुंचना इस क्वेश्चन में इस समय सर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जितना आप उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चन में, मतलब आपका जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करेगा कि आपने इसको अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को, क्या आपने अप्रोच लगाई। और बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें आप आधा कर पा रहे हो तो उसे भी फाइनली आप लिख के तो आओ एटलीस्ट, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी मार्क्स मिलने की वहां पॉसिबिलिटी होगी तो आपको वो मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही सर मेरे साइड से, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बस यही है बच्चों कि जैसे भी आपने अगर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद जैसा भी विवेक सर बोल रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कंप्लीट एंड तक नहीं ले जा पा रहे, लेकिन हमें थोड़ा सा पार्ट आता है कि यार यहाँ से स्टार्टिंग की जा सकती है, तो उसको उसी एलिगेंसी से आप लिखेंगे। कई बार ये भी देखेगा बच्चों ने बस अपने हिसाब से कुछ जो सोल्यूशन को समझ में आ रहा था उतना परफेक्ट नहीं भी था, लिख के आए उन्हें उसके अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं।
तो बच्चों सोल्यूशन लिखने में कभी कोई कंजूसी मत करना, जो पूरा आ रहा है उसे तो पूरा करना, जो थोड़ा बहुत भी आ रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पार्शियल मार्क्स भी आपको मिलते हैं, स्टेप मार्किंग भी होती है, जितना पार्ट आप करेक्ट करते हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। तो हम सारे लोग बस यही सोच के आ रहे हैं कि भाई आप दम लगा के पेपर सॉल्व करके आएंगे और तोड़ के आएंगे, पेपर फोड़ के आएंगे, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल द टीचर्स। ओके।